हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गौरव और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट। तो इसके टोटल 6 पार्ट्स हैं, सभी मैंने सॉल्व कर रखे हैं और उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो अगर आपको बाकी के पार्ट देखने हैं तो उन लिंक पे क्लिक करके देख सकते हो। तो इसमें हम सिर्फ फिफ्थ पार्ट करेंगे, तो करते हैं स्टार्ट। तो देखो इसमें क्या कह रही है, सोल्व द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमें दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, इनको हमें सोल्व करना है। सोल्व करने का मतलब क्या होता है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। कौन से मेथड को यूज करके, सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज करके। तो आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, एक इक्वेशन में से किसी भी वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो। वेरिएबल क्या होता है, एक्स और वाई। मान लो इस इक्वेशन में से मैं एक्स की वैल्यू निकालता हूं और उस वैल्यू को मैं सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर देता हूं, तो हमारी एक्स और वाई दोनों की वैल्यू आ जाएगी। अब इसमें देखो, जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट में से ही वैल्यू निकाल के सेकंड में रखोगे, इस सेकंड में से निकाल के भी फर्स्ट में रख सकते हो। तो जैसे मैं करके दिखाता हूं इस बार। अब मैं पहले सेकंड इक्वेशन लिख लेता हूं, इसमें से हम वैल्यू निकालेंगे और फर्स्ट में से पुट करेंगे। आप फर्स्ट में से निकाल के भी पुट कर सकते हो, आंसर वही आना है, क्योंकि मैथ्स है, मेथड कोई भी यूज कर लो आंसर सेम आना है। तो जैसे अभी मैं सेकंड इक्वेशन लिख ली मैंने, अब इसमें से या तो एक्स की वैल्यू निकाल लो या वाई की निकाल लो, कोई भी निकाल लो। मान के चलो मैं यहाँ पे एक्स की निकालता हूं, तो लेफ्ट साइड सिर्फ एक्स को छोड़ूंगा, बाकी सारा राइट साइड चला जाएगा। तो देखो ये रूट एट वाई मैं राइट साइड भेज दूंगा, तो इधर माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू रूट एट वाई, ये आ गया। अब हमें तो वैल्यू सिर्फ x की निकालनी है, तो लेफ्ट साइड सिर्फ x को रखेंगे, लेकिन यहाँ पे तो रूट थ्री एक्स्ट्रा है, तो रूट थ्री को भी राइट साइड भेज देते हैं। अब देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई है, लेकिन राइट साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा ये, तो ये बन जाएगा हमारा x इज इक्वल टू रूट एट डिवाइडेड बाय रूट थ्री वाई। एक्स की वैल्यू क्या आई, रूट एट डिवाइडेड बाय रूट थ्री वाई, ये आ चुकी है। अब इस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन के अंदर पुट कर सकते हैं, तो पुट करते हैं। तो मान लो इसको मैंने इक्वेशन वन मान लिया, इसको मैंने इक्वेशन टू मान लिया। अब नीचे क्या लाइन लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की जो वैल्यू है उसको किसमें पुट करना है, इन इक्वेशन। देखो हमने अभी ये वैल्यू सेकंड इक्वेशन से निकाल लिया, तो हम इक्वेशन वन के अंदर पुट करेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन। तो इसमें देखो वैल्यू रखने का मतलब क्या है, इस इक्वेशन में, मैं ये इक्वेशन लिख लेता हूं, इस इक्वेशन में जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पे क्या रखना है अपने को, रूट एट बाई रूट थ्री वाई। तो पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, ये लिख लिया हमने। अब देखो इस इक्वेशन में जहां भी आपको x दिख रहा है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, ये वैल्यू। तो देखो इसमें रूट टू एक्स से मल्टीप्लाई है, तो रूट टू वैसे का वैसे आ जाएगा, और मल्टीप्लाई है क्योंकि यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो ब्रैकेट में रखेंगे ये सारी चीज, रूट एट बाई रूट थ्री, ये ब्रैकेट के अंदर मैंने x की वैल्यू रखी है, प्लस रूट थ्री वाई, वैसे का वैसे आ जाएगा। अब देखो रूट टू और रूट एट मल्टीप्लाई है, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई है, तो ये वो कौन सी वाली कंडीशन बन जाती है, रूट ए इंटू रूट बी। इसका मतलब क्या होता है, रूट ए बी, यानी कि रूट तो सेम रहेगा लेकिन जो रूट के अंदर दो वैल्यू है उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इसमें यहाँ पे हमारा टू है और यहाँ पे एट है, तो टू इंटू एट सिक्सटीन हो जाएगा और रूट सेम रहेगा, तो रूट सिक्सटीन बन गया ये। तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर दो, रूट वैसे का वैसे रख दो। अब देखो रूट थ्री तो डिवाइड में है, तो वैसे का वैसे, और वाई भी मल्टीप्लाई में था, तो ये बन गया हमारा। अब यहाँ पे रूट थ्री वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो ये हमारी पहली फ्रैक्शन आ गई है, ये फ्रैक्शन नहीं है, तो इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए क्या करेंगे, डिवाइड में वन रख देंगे। तो हम किसी भी चीज को फ्रैक्शन बना सकते हैं, और आपको पता है किसी भी नंबर के नीचे हम डिवाइड में वन भी लिख सकते हैं, तो लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन में कहीं भी आपको एक्स दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, तो इसको सोल्व करने पर क्या आएगा, वाई की वैल्यू आएगी। तो अब देखो दो फ्रैक्शन को ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एलसीएम लेते हैं, तो इसके नीचे रूट थ्री है, इसके नीचे वन है, तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम हमारा रूट थ्री आएगा। अब ये डिनोमिनेटर आ चुका है, अब हम इस डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करेंगे, तो रूट थ्री को अगर मैं रूट थ्री से डिवाइड करता हूं तो क्या आता है हमारा वन, और जो आंसर आता है उसको हम न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो रूट थ्री को मैंने रूट थ्री से डिवाइड किया तो वन आया। अब वन को मैं रूट सिक्सटीन वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, तो आपको पता है वन को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ऊपर आपका रूट सिक्सटीन वाई आ गया। अब इसमें भी सेम यही प्रोसेस करेंगे, रूट थ्री को मैं वन से डिवाइड करता हूं, तो आंसर कितना आता है आपका रूट थ्री। अब रूट थ्री को मैं रूट थ्री वाई से मल्टीप्लाई करूंगा, तो रूट थ्री इंटू रूट थ्री वाई, तो रूट थ्री सेम वही चीज लगेगी, रूट नाइन वाई, ये आ गया आपका, अंदर वाले मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस रूट नाइन वाई इज इक्वल टू जीरो। अब देखो आपको पता है रूट सिक्सटीन क्या होता है और रूट नाइन क्या होता है, आपने छोटी क्लास में पढ़ा भी होगा कि रूट सिक्सटीन हमारा फोर होता है और रूट नाइन हमारा थ्री होता है, तो ये क्या बन जाएगा,
4y plus 3y y root 3 equal to 0. अब ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे क्योंकि ऊपर वाले का जो वेरिएबल है वो सेम है, तो 4y plus 3y कितना आ जाएगा हमारा 7y, मैं इधर लिख लेता हूँ 7y divided by root 3 equal to 0. अब root 3, अब देखो इसमें हमें y की वैल्यू निकालनी है तो लेफ्ट साइड सिर्फ y को छोड़ेंगे बाकी सारा कुछ राइट साइड चला जाएगा, तो पहले हम रूट थ्री को राइट साइड भेजते हैं तो इधर ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 7y इक्वल टू रूट 3 इंटू 0. तो ये मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो 0 बना देता है वो. अब देखो 7 यहां मल्टीप्लाई में तो इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 0 बाय 7. तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो हमेशा आंसर 0 ही आता है. तो y की वैल्यू हमारी क्या आई 0. यहां तक आया समझ. तो अब x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो दो इक्वेशन दे रखी थी ना हमारी क्वेश्चन में, इनमें से किसी भी इक्वेशन के अंदर पुट कर दो. मान के चलो मैं इसके अंदर पुट कर दो या आपकी मर्जी है किसी के अंदर भी पुट कर दो. तो मैं मान के चलो इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है ये फर्स्ट इक्वेशन है तो आंसर वही आना, किसी के अंदर भी पुट कर दो. तो इसमें जहां भी आपको y दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर देंगे. तो पहले ये इक्वेशन लिख लेते हैं, तो हमारी ये इक्वेशन है. अब हम क्या पुट करेंगे, y इज इक्वल टू 0 इसके अंदर पुट करते हैं. तो यहां पे लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन दिस इक्वेशन, इन दिस इक्वेशन. तो पुट करते हैं जहां भी आपको y दिख रहा है वहां पे 0 पुट कर देते हैं. रूट टू एक्स प्लस रूट थ्री और y यहां पे मल्टीप्लाई में, तो 0 आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा इक्वल टू 0. तो आपको पता है 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो उसको 0 कर देता है, तो ये क्या हो जाएगा रूट टू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0. तो 0 ऐड होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रूट टू एक्स इक्वल टू 0. अब देखो हमें तो x की वैल्यू निकालनी है तो यहां पे हम सिर्फ x को रखेंगे बाकी सब कुछ राइट भेज देंगे. तो ये मल्टीप्लाई तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 बाय रूट टू. अब आपको पता है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो 0 ही आता है, तो हमारा x भी हमारा 0 आ गया और हमारा y भी 0 था, तो हमारी दोनों वैल्यू आ गई यानी कि क्वेश्चन कंप्लीट हो गया. तो अगर आपको ये सॉल्यूशन समझ आया तो आप इस वीडियो को प्लीज लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं इसी टाइप की वीडियोस डालता रहता हूं. अगर आपका कोई डाउट या क्वेरी रह गया इस क्वेश्चन से रिलेटेड तो आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं आपका क्वेरी जरूर सॉल्व करूंगा. थैंक यू.